सिस्को वेबेक्स मीटिंग ऐप के माध्यम से हम कैसे ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन मीटिंग को लेंगे, जिसमें कि हम खुद होस्ट होंगे, आवश्यक होने पर अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोस को उस ऑनलाइन मीटिंग या क्लास में किस तरह से शेयर करेंगे, अर्थात अपने कंटेंट को हम किस तरह से अपने पार्टिसिपेंट और स्टूडेंट के बीच में शेयर करेंगे, यह सब आप इस वीडियो में देखेंगे। मैं अखिलेश आपका अखिल ज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूँ। यदि वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही यह चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे कि इसी तरह के सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो इसके लिए अपने मोबाइल में सबसे पहले सिस्को वेबेक्स मीटिंग ऐप को ओपन करने के लिए क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मीटिंग दिखाता रहेगा। अब मीटिंग पूरी करने की प्रक्रिया देखते हैं। सिस्को मीटिंग ऐप को खोल लेते हैं। ये मीटिंग पहले ही खुलेगा। यहाँ पर स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लेफ्ट में माइक है, माइक हम अपना ऑन ऑफ कर सकते हैं। बगल में कैमरा बना हुआ है, यहाँ से कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे देखिए यूज इंटरनेट फॉर ऑडियो लिखा हुआ है, हमेशा होना चाहिए, तभी आपका ऑडियो यानी जो आप बोलेंगे वो पार्टिसिपेंट या बच्चे सुन सकेंगे। अब मीटिंग स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट पर जो ग्रीन में लिखा हुआ है उसे क्लिक कर देंगे। ये मीटिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पर होस्ट मी लिखा हुआ है, यानी मैं होस्ट हूँ इसका। मीटिंग आईडी लिखा हुआ है, एक पार्टिसिपेंट इसमें जुड़ चुके हैं, लिंक मैंने भेजा था उसके अनुसार इसमें जुड़ चुके हैं। मीटिंग स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ पर माइक ऑप्शन जो दिख रहा है उसे ध्यान से देखिए, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर ग्रीन कलर हो गया, मतलब अब मेरी आवाज पार्टिसिपेंट तक जा रही है। तो ग्रीन रहेगा जब तक हमारी आवाज जा रही होगी। हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो बंद हो गया, अब हमारी आवाज नहीं जा रही है। बगल में कैमरा ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे। स्टार्ट माय वीडियो क्लिक करेंगे। राइट में ऊपर में एक ऑप्शन ये दिख रहा है, यहाँ से हम फ्रंट या बैक कैमरा को ऑन कर सकते हैं। तो स्टार्ट माय वीडियो मैंने कर दिया, तो अब मेरा वीडियो पार्टिसिपेंट जो भी इसमें मीटिंग में जुड़े हुए हैं वो देख पा रहे हैं। ये एक डेमो वीडियो है, इसलिए मैं एक एक ऑप्शन को ऑन ऑफ कर रहा हूँ, माइक ऑन नहीं किया हुआ हूँ। माइक ऑन करने पर आपके लिए डेमो बनाने के लिए जो साउंड रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने माइक ऑफ किया हुआ है। दाहिने ओर का राइट में जो ऊपर में ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे तो हम खुद और जितने भी पार्टिसिपेंट मीटिंग में या क्लास में जुड़े हुए हैं वो सभी यहाँ पर उनकी लिस्ट दिखाई देगी। उसके नीचे ये ऑप्शन दिख रहा है म्यूट कंट्रोल में, यहाँ से हम सभी को म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। बगल में चैट ऑप्शन है, यहाँ से हम कोई मैसेज भी उनको भेज सकते हैं और किसी और को भी इनवाइट कर सकते हैं। चैट विथ एवरीवन, यहाँ से मैसेज हम भेज सकते हैं। फिर पार्टिसिपेंट जो हैं उनके सामने वाले भाग में जो माइक दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके भी उनको अनम्यूट किया जा सकता है और खुद को भी अनम्यूट किया जा सकता है। यहाँ पर से बैक होते हैं और अन्य ऑप्शन भी देखते हैं। थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर देखिए चेंज ऑडियो कनेक्शन है, यहाँ पर से फोन या स्पीकर पर ऑडियो को चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे टर्न ऑफ स्पीकर है, यहाँ पर स्पीकर को आप भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए की बना हुआ है लॉक मीटिंग। लॉक मीटिंग अगर हम कर देते हैं तो पार्टिसिपेंट जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक मैसेज आएगा परमिशन के लिए, हम अगर परमिशन देंगे तभी पार्टिसिपेंट जुड़ पाएंगे। इसके बगल में स्पीकर माइक्रोफोन चेंज करने का ऑप्शन है, फाइंड डिवाइस का है और सबसे मुख्य है शेयर कंटेंट। शेयर कंटेंट ऑप्शन के बारे में बताने चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि शेयर कैसे कंटेंट हमारा नहीं हो पा रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटोज शेयर कर सकते हैं। तो शेयर स्क्रीन जो सबसे ऊपर ऑप्शन है उसमें ऑप्टिमाइज फॉर इमेज, ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो, सबसे ऊपर शेयर स्क्रीन जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक परमिशन आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे ओके लिखा हुआ है और सेटिंग लिखा हुआ है, यानी आपका यह ऐप एक्सेस मांग रहा है ओवर द ऐप का। यहाँ पर ओके नहीं करना है, यहाँ पर हमको सेटिंग को दबाना है। सेटिंग को दबाएंगे तो एक जगह ये खुलेगा डिस्प्ले ओवर द ऐप, यहाँ पर सारे एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल के वहाँ दिखेंगे। हमको इसमें सबसे नीचे, क्योंकि डब्ल्यू से वेबएक्स मीटिंग ऐप है इसलिए सबसे नीचे जाना होगा। वेबएक्स मीटिंग ऐप यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ इसको ऑन कर देना है। यही पर ध्यान रखना है, अगर आपने ओके कर दिया है तो आप कंटेंट शेयर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में जाके सेटिंग में जाके डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स को सर्च करना है, तो ऑप्शन आ जाएगा। वेबएक्स मीटिंग ऐप में यह परमिशन आपको ऑन करना होगा। यह परमिशन ऑन हो जाएगा
उसी स्थिति में आप कंटेंट को शेयर कर पाएंगे। शेयर कंटेंट करने के लिए इसमें सबसे पहले हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके पहले हमको ध्यान रखना है कि हमारा माइक ऑन होना चाहिए। तो मैं इस माइक को यहाँ पर ऑन कर दिया, ये ग्रीन हो गया है, माइक पर यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। इस वाली जगह को आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद हम तीन डॉट पर क्लिक करेंगे। तीन डॉट पर क्लिक करने पर ये इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आप शेयर कंटेंट पर क्लिक करेंगे। शेयर कंटेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ये आ गया स्टार्ट नाउ। अब की बार ओके और सेटिंग का ऑप्शन नहीं आया है तो स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते ही ये स्क्रीन सामने आ चुका है। अब इसका मतलब ये है कि हम वहां पर माइक ऑन कर दिए थे, मतलब हमारी आवाज और हमारा स्क्रीन दोनों पार्टिसिपेंट जो भी हमारी मीटिंग या कक्षा में जुड़े हुए हैं उनको अब दिखाई दे रहा है। राइट साइड में एक चिन्ह बना हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो स्टाफ शेयरिंग यानी शेयर ऑफ करने का ऑप्शन और एनोनेशन। एनोनेशन को अभी मैं बताता हूं कैसे करेंगे। तो यहां पर जैसे भी कुछ दिखाना हो, मान लीजिए कोई वीडियो शेयर करना हुआ, तो जिस भी हम चाहे गैलरी से जहां से भी चाहे वीडियो प्ले कर सकते हैं, कोई इमेज दिखा सकते हैं, माने स्क्रीन में हम अपने मोबाइल के जो भी खोलेंगे वो पार्टिसिपेंट या स्टूडेंट को दिखेगा। होने वाले ऑनलाइन मीटिंग या कक्षा में जुड़ने के लिए भेजे गए हैं। यह तीन तरीके हैं जिससे हम ऑनलाइन कक्षा मीटिंग में जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो वीडियो चल रहा है आपके पार्टिसिपेंट या आपके स्टूडेंट को पूरा दिखता रहेगा। यहाँ भी वीडियो पॉज करके अगर हम चाहें तो जो एनोनेशन का ऑप्शन में बोल रहा था, इधर जो एक सिस्को का चिन्ह बना हुआ है इसको क्लिक कर सकते हैं। एनोनेशन क्लिक करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। इसमें क्या है, पेंसिल बना हुआ है, इरेजर बना हुआ है, टेक्स्ट बना हुआ है, हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर चलते चलते स्क्रीन के हम चाहें कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी आपके पार्टिसिपेंट को दिखेगा। इसको बंद करने के लिए यहाँ पर एनोनेशन जैसे बंद करना है उसके लिए ऊपर में एक ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर चिन्ह दिख रहा है, इस चिन्ह को ऊपर हम क्लिक कर देंगे और एस कर देंगे तो ये वीडियो वापस वहां पहुंच गया। वीडियो से बाहर आ जाते हैं। कोई डॉक्यूमेंट अगर हमारे फोन में है या इमेज है उसको भी हम खोल सकते हैं। जैसे मैं ये बुक खोल के इसमें रखा हुआ हूं, इसको भी ऐसे शेयर करके हम इसको पढ़ा सकते हैं। यहां पर भी एनोनेशन के माध्यम से हम अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, जो चाहे उसको सर्कल करके कोई भी चिन्ह दिखाना है, सही का टिक या कुछ लिखना है वो सब कर सकते हैं। यहाँ एनोनेशन में जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं इन सब का इस्तेमाल आप ड्रा करने में, कुछ फार्मूला वगैरह लिखने में सब कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लियर ऑल वगैरह ऑप्शन आएगा, जो आपने किया हुआ है उसको बंद कर देंगे। एनोनेशन करते समय भी देखिए राइट में एक माइक दिख रहा है, अगर ग्रीन है मतलब आपकी आवाज शेयर हो रही है, और ये अगर रेड हो गया तो आवाज शेयर नहीं हो रही, तो हम इसको ग्रीन रखते हैं। ऊपर किस बटन से हम वापस हो जाते हैं, यस कर देते हैं। एनोनेशन बंद हो गया, हम बाहर हैं अभी स्क्रीन के। अब हमको अपना कंटेंट शेयर नहीं करना है तो यहाँ पर ऊपर में जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टॉप शेयरिंग पर क्लिक कर देंगे। स्टॉप शेयरिंग पर क्लिक करते ही हम अपने मीटिंग के मेन पेज में पहुंच गए। अब कुछ भी शेयर नहीं हो रहा है, मतलब पार्टिसिपेंट के पास कोई भी डाटा नहीं जा रहा है, सिर्फ आवाज बस हमारी जा रही है। थ्री डॉट पर फिर क्लिक करते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, शेयर कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो ऊपर अभी शेयर स्क्रीन किए थे, अब व्हाइट बोर्ड को देख लेते हैं। व्हाइट बोर्ड को क्लिक करते ही ऐसे ब्लैंक व्हाइट पेज खुल जाएगा। यहां पर भी एनोनेशन दिया हुआ है, एनोनेशन डिफॉल्ट खुल जाता है। इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से लिख लेंगे। यहां पर जो भी लिखेंगे आपके पार्टिसिपेंट को दिखाई देगा। ये हो गया व्हाइट बोर्ड, एक तरह से बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई करना। ये बैक बटन को फिर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे तो हम व्हाइट बोर्ड से बाहर आ गए। फिर थ्री डॉट को क्लिक करते हैं, शेयर कंटेंट का क्लिक करते हैं। शेयर कंटेंट क्लिक करने के बाद फोटोज को क्लिक कर देंगे तो फोटो शेयर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑन ड्राइव करेंगे तो अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑन ड्राइव में कुछ सेव कंटेंट है उसको दिखा सकते हैं। गूगल ड्राइव में अगर हम सेव कंटेंट रखे हुए हैं, कुछ फाइल्स रखे हैं, फोटो वीडियो, तो उसको दिखा सकते हैं। इस तरह से हम अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। यहाँ बैक हो जाते हैं। यह हमारा ये पेज रहा,
इस तरह से हम ऑनलाइन मीटिंग या ऑनलाइन क्लास को ले सकते हैं और अपने कंटेंट को, जो भी हम फोटो वीडियो या डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, उनको सामने में शेयर कर सकते हैं। मीटिंग एंड होने के बाद, क्लास एंड होने के बाद इस क्रॉस बटन को क्लिक करेंगे। क्रॉस बटन क्लिक करने के बाद एंड मीटिंग फॉर ऑल ऑप्शन आ रहा है, इसको हम क्लिक कर देंगे तो मीटिंग बंद हो जाएगा। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, नहीं तो यहां पर आता लीव मीटिंग और एंड मीटिंग फॉर ऑल। लीव मीटिंग आता था, मीटिंग से बाहर हो जाते, बाकी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में जुड़े हुए रहते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एंड मीटिंग फॉर ऑल, तो सभी के लिए ये मीटिंग बंद हो जाएगी। तो मुझे विश्वास है अब ऑनलाइन मीटिंग या क्लास लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर करते हुए, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।